क्लास टेंथ मैथ ईपी बोर्ड प्रश्नावली 11.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। 8 cm लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेमी त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। दिया है AB इक्वल 8 cm और केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या 4 cm तथा केंद्र B वाले वृत्त की त्रिज्या 3 cm है। रचना करना है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। AB इक्वल 8 cm रेखाखंड खींचा। A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना किया। B को केंद्र मानकर 3 cm त्रिज्या लेकर एक और वृत्त की रचना किया। AB का लंबार्धक किया। जो AB को पॉइंट M पर प्रतिच्छेद करता है M को केंद्र मानकर MB त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। केंद्र A वाले वृत्त को पॉइंट R और पॉइंट S पर प्रतिच्छेद करता है तथा केंद्र B वाले वृत्त को पॉइंट T और पॉइंट U पर प्रतिच्छेद करता है। A से T को मिलाया और A से U को मिलाया। B से R को मिलाया और B से S को मिलाया। अतः अभीष्ट स्पर्श रेखाएं AT, AU, BR और BS हैं। रचना विधि। AB इक्वल 8 cm रेखाखंड खींचा। A को केंद्र लेकर 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 cm त्रिज्या का वृत्त खींचा। सेकेंड नंबर, AB का समद्विभाजन किया जिसका मध्य बिंदु M है। M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो A केंद्र वाले वृत्त को R तथा S पर और B केंद्र वाले वृत्त को बिंदु T और U पर प्रतिच्छेद करता है। फोर्थ नंबर, A से T तथा U को और B से R तथा S को मिलाया। अतः केंद्र A वाले वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं BR तथा BS हैं और केंद्र B वाले वृत्त स्पर्श रेखाएं AT और AU हैं।